हे गाइस, जिसे वो एलिया मतलब मेरे साथ है निम्राली। तो आज का चैलेंज जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हमने गलती से लगा दी थी कम्युनिटी और कहा था कि भाई आप अपने डेट्स बताओ, हम आपके डेट्स करेंगे। तो लोगों ने बहुत सारे डेट्स बताए हैं कमेंट सेक्शन में, तो उसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, गंदे मचंदे सारा कुछ है। लेकिन हम लोगों को बगैर किसी हिचकिचाहट के बस सारे डेट कम्प्लीट करने हैं। अली के लिए थोड़े गंदे वाले होंगे, मेरे लिए थोड़े सोफिस्टिकेटेड होंगे। वो देखा जाएगा। चल चल चैलेंज करें पूरे। चलो चलो। फर्स्ट जो कमेंट था वो ये था कि आपको पब्लिक में जाके ले जाएं। तो आज हम देखेंगे कि अली के अंदर एक्टिंग का कितना कीड़ा है, अली कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो आर यू रेडी? लेटना लूटना नहीं है, असल में उन्होंने बोला था कि भोज में ना इसको पढ़ना ही ना आता, थोड़ा सा इसका मसला है। तो मैं भी नीचे जाऊंगा पब्लिक के दरमियान जो जाके मैं सेमेस्टर चल रहा है। हाँ, बेहोश हो जाऊंगा। ये भी मुश्किल काम नहीं, मैं वैसे भी प्रैंकस्टर रह चुका, मैं कर सकता हूँ, शुरू में जा रहा हूँ। जल्दी जाएं। तो भाई अली जो है वो नीचे चले गए, ठीक है। अब अली एक्टिंग करेंगे बेहोश होने की और हम देखेंगे कि लोगों के क्या रिएक्शन आते हैं। वाह यार, एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है। देखो हिल भी नहीं रहा है, लोग चेक वेक कर रहे हैं लोगों का, देखो कितना अच्छा रिएक्शन आ रहा है। दो तो निकल गए हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया इसको। एक्टिंग देखो कितनी अच्छी कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सीरियस वाली एक्टिंग। ओ उठ गया बेचारा। फाइनली गाइस, मेरा चैलेंज जो था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। एक्टिंग काफी अच्छी थी, मैं इनको देना चाहूंगी 8/10। तुम जितने मर्जी तब, तो तुम्हारी बारी आएगी ना, मैं तुम्हें दूंगा। चलो 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 चलो। नेक्स्ट डेयर जो है वो ये है कि तुमने किसी भी लड़के के पास जाना है और उसको तुमने उसके साथ रील बनानी है, और ऐसी रील नहीं बनानी, तुमने बनानी पता किस पे है। आए हाय, ओए होए, आए आए ओए होए, क्रिंज गाना जी, इसके ऊपर बनाओ। चलो चलो जल्दी से जाओ और बनाओ। चलो लड़का ढूंढना पहले, प्यारा जल्दी। सा प्यारा सा नहीं, जो भी मिल जाए तुम्हें, तुम्हें नहीं मिलना प्यारा सा, जाओ चलो। शाबाश। एक्सक्यूज मी सर, कैसे हैं आप सर? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। अरे नहीं सर, मैंने आपको बड़ी दफा देखा, मैंने आपका हर ड्रामा देखा है, मैं बहुत बड़ी फैन हूं सर। अरे नहीं सर, आप आपका नाम क्या है वैसे? अच्छा हसीब है, छोड़े नाम का क्या कहना सर, एक वीडियो बना लूँ। बहुत शुक्रिया सर। मौका मिले कभी कभी, कल नहीं किसे ने वेखी, मजा लिए अज दा अज दा, आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वीडियो के लिए सर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। चैलेंज है वो ये है जो लोगों ने दिया कि तुमने किसी भी रैंडम बंदे के पास जाना है और उसको बोलना है कि भाई आप सिंगल हैं, जब वो बोले कि हमें सिंगल हूँ तो उसके पास से चेयर उठा के ले आनी है। क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ, वो भी सिंगल, हो जाएगा अलग अलग चेयर हो जाएगा। ये मैं बता रही हूँ, ये डेयर वेयर निम्रा के बस का है, है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बस का, लेकिन चलो 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 भागो भागो जल्दी से कर। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, वो मुझे आपसे पूछना था कि आप सिंगल हैं या मिंगल? सिंगल हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। पूछे क्यों? चेयर चाहिए थी, बहुत जरूरी, अकेली कब से चेयर ढूंढे जा रही हूँ। शुक्रिया। डेयर है वो ये है कि कमेंट आया था कि आपने जाकर किसी भी रैंडम लड़की को कहना है कि आप ठीक है ना, क्योंकि मुझे पीछे देखकर कुछ लड़कियां बेहोश हो। यार ये कैसे, ये कौन से डेयर है? ये मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मैंने ये कमेंट देखा और मैंने कहा था अली से ये तो करवाऊंगी करवाऊंगी, चाहे बेशक कुछ और करवाऊँ ना कराऊँ। तो अभी जाए और प्यारी सी लड़की को आपने मैं कर लूंगा। एक्सक्यूज मी मैडम, आप उस तरफ को जा रही हैं? आपको तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर ना तीन चार लड़कियाँ बेहोश हो गई मुझे देखकर। ऐसे में ना हुसन बहुत ज़्यादा था उसमें, वो बिखर रहा था वहाँ पे, वो समेट नहीं पाई और वो बेहोश हो गई। ऐसे मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, वैसे आपको मुझे देख के नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा आपको, आप पक्का कोई पावरफुल लेडी है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइड, या मैं दोबारा चल कर आऊँ? क्या कह रहे हैं मतलब, अगर आपको अभी मुझसे प्यार नहीं हो तो मैं दोबारा चल के आऊँ, शायद मुझसे प्यार हो जाए। क्या बात है यार, नहीं मानना। निम्रा को अब जो लोगों ने डेयर दिया है वो ये डेयर है कि भाई तुम्हें जो है किसी भी रैंडम पर्सन के पास जाना है, उसको बोलना है कि मुझे माफ़ कर दो। मैं तो अपनी गलती करके भी माफ़ी नहीं मांगती, तो मैं ऐसे कैसे मांगूं? आवाम यही चाहती है कि तुम मांगो, तुम माफ़ी मांगो। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो जाओ चलो। एक्सक्यूज मी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो
मुझे आपसे ये कहना था कि आप मुझे माफ कर दें, प्लीज मुझे माफ कर दें। क्या कह दिया है? नहीं, आप बस मुझे माफ कर दें। मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं। आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मुझे माफ कर दें। मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं। आप हंस रहे हैं, मैं आपसे माफी मांग रही हूं। तुम, मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं, तो मैं आपको माफ कर दूं। आपसे मैं माफी मांगूंगी? आपने, आप मुझे माफ नहीं करेंगे? नहीं, मैं, मुझे माफ कर। तो अली, जो नेक्स्ट कमेंट आया था वो ये था कि आपका डेयर है, आपने जाना किसी भी एक रैंडम पर्सन के पास और उसको कहना है मुझे पॉटी आई है, मेरा पैम्पर लीक हो गया, मेरा पैम्पर चेंज कर दो, ठीक है? आपने उसको जाकर ये सब कुछ कहना है, तो कह देंगे आप? क्या तरीका है भाई, कौन सी चीजें मैं जाके? ये मैंने, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपनी दुश्मनी निकाल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोगों ने कमेंट किया भाई यार। लेकिन सिलेक्शन तुम्हारी ना, तुमने कमेंट सेलेक्ट किए, जैसे मैंने तुम्हारे, मैंने अच्छे अच्छे किए। चलो खैर, कर देते हैं, कोई मसला नहीं, करना पड़ेगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अभी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। भाई जन कैसे हैं? ठीक है यार, इतना मसला हो गया, किसी को बताओगे तो नहीं? प्रॉमिस, पक्की बात है यार, टट्टी निकल गई यार, उधर से मैं आया था, फ्रंट में निकल गई। यार जानी, मैंने ना चेक किया था, मैंने ना अपनी पेंट में हाथ डाल के चेक किया, ये वाला था, वो ना मेरा हाथ गीला हो गया यार। यार कैसे काम कर रहे हैं आप? मुझे लगता है हाथ गंदा कर दिया है, शायद लूज मोशन हो, मैंने गैस दी थी, गैस के साथ सब कुछ ही बाहर आ गया। एक छोटी सी हेल्प कर दो, सिर्फ छोटी सी हेल्प, मेरा ना पैंपर चेंज कर दो मेरे साथ जाके ना। यार आप कैसी बात कर रहे हैं, आप सामने वॉशरूम में वहाँ जाके आप पैंपर चेंज करें अपना? है नहीं ना मेरे पास, अभी नीचे से लेना भी है, तो आप जाएं जाके ले, चेंज करें वहाँ जाके यार। तो आप नहीं करेंगे? नहीं यार, पक्की बात है, नहीं करेंगे? देख लो यार, कैसी बात, देख लो, थोड़ी सी गीली भी हुई है, वॉशरूम में जाके आप चेंज करें यार। यार भाई मर्जी तुम्हारी यार। हो सो फाइनली गाइज, हम लोग अपना चैलेंज जो है वो पूरा कर चुके हैं। बहुत मुश्किल डेयर दिए तुम लोगों ने, लेकिन हम लोग जो है ना खतरों के खिलाड़ी हैं, करके दिखाया हमने। अबे कुछ लोग तो बोल रहे थे भाई कपड़े चपड़े उतार के पब्लिक में जाओ, ऐसे थोड़ी होता है यार, अब ऐसे वाला कैसे कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सका हमने किया। मैंने बहुत बेहतरीन किया, क्योंकि मैं निमरा आदमी, सुपर टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक हुआ। बस एक दिन में इतना झूठ बहुत होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो। अल्लाह हाफिज़।